नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट नौकरी आर पर। और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर, सभी छात्रों को मिलेगा प्रमोशन। जी हां, सभी छात्रों को मिलेगा प्रमोशन, यानी कि सभी छात्र प्रमोट होंगे, जैसा कि पिछले ही साल में हुआ था, ऐसे ही अब भी सभी छात्र प्रमोट होंगे। परसों कल देखा था हमने कि CBSE बोर्ड की परीक्षा नहीं होंगी, टेंथ के बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और ट्वेल्थ के अभी एग्ज़ाम स्थगित कर दिए गए हैं। तो अभी फ़िलहाल की जो कंडीशन है वो सभी एग्ज़ाम स्थगित हैं, वो यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई हैं। और देखिए, आज जो कमेंट आए थे उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि छात्रों का मानना है कि प्रमोशन ही एक विकल्प सही रहेगा। सभी छात्रों का जो कमेंट में थे, ज़्यादातर प्रमोशन के ही कह रहे हैं सभी छात्र, और ये होना भी चाहिए। देखिए, कल लखनऊ की बात की रही है तो लगभग 80 मौतें हुई हैं, तो कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सभी छात्रों को। तो इसको देखते हुए सरकार भी जो निर्णय ले रही है वो सही लिया है। पीएम मोदी ने ये निर्णय लिया था कि बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की जाएं, और अब यूनिवर्सिटी की परीक्षा स्थगित होंगी। ये जो खबर है, हम आपको खबर के माध्यम से दिखाएंगे कि हाँ, सभी छात्रों को प्रमोशन मिलेगा और सभी छात्र प्रमोट होंगे। तो आइए खबर पर चलते हैं। देखिए, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, जिससे कि आगे जो खबर पहुंचे और सभी छात्रों की इस बात का पता पड़े। और साथ ही अगर कैंसिल नहीं होती हैं, ये मतलब स्टॉप नहीं होती हैं, परीक्षा हो रही है कहीं भी, तो हम जो है ट्विटर पर अभियान चलाएंगे, जिससे कि सरकार को ये सुनना ही पड़ेगा। तो आइए पहले खबर पर चलते हैं। खबर क्या है दोस्तों, आ चुके हैं हम देखिए न्यूज़ पर, और देखिए लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे हम आपके लिए बिल्कुल शाम की। देखिए, 4:15 की जो लास्ट अपडेट है, यहाँ से हमने अपडेट ली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की परीक्षा भी स्थगित। देखिए, जो सभी छात्र, बस यही मांग थी लगातार छात्रों की कि अभी परीक्षा नहीं हो, स्थगित हो। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो विश्वविद्यालय हैं उसकी परीक्षा स्थगित कर दी गई हैं, और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर ये स्पष्ट किया है कि मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा, यानी कि विचार किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि परीक्षा नहीं होंगी और प्रमोशन ही एक विकल्प रह जाता है सरकार के पास, जिससे कि सत्य प्रभावित ना हो, नहीं तो सत्य प्रभावित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित होंगे छात्र। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है, और एक उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी ये निर्णय लेंगी। एक ना एक दिन डेली मतलब कोई ना कोई जो है न्यूज़ आएगी हमारे पास, और तुरंत हम आपके पास खबर लेकर आएंगे और बिल्कुल सटीक जानकारी लेकर आएंगे, जिससे कि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम तुरंत उसका जवाब देंगे, कमेंट में ही जवाब देंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने CBSE 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 8 मई से शुरू होनी थी, ये भी जो है स्थगित कर दी हैं। तो अब इसको देखते हुए हम यूनिवर्सिटी की अंदाज़ा ला सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा अब नहीं होंगी। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करते हैं, और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम तुरंत आपके पास लेकर आएंगे। धन्यवाद।